The Daily Show with Muneer Memon. Assalamualaikum, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज से कुछ रोज पहले हमने अपने ही प्रोग्राम में इस बात का तस्करा किया था कि जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इस हवाले से क्या पाकिस्तान में कोई माशी इमरजेंसी नाफिज करने की बात कही जा रही है, क्या इस तरह की बातें हो रही हैं ऐवानों में कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। उस वक्त जब हमने ये बात कही थी तो मौजूदा वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब ने मीडिया पे आके ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि इस वक्त इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं और पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कल क्या होता है, एक ड्रामाई तब्दीली होती है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब, साथ में उनके कमर जमान कायरा साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, ये तीनों शख्सियात टेलीविजन पे आते हैं और पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के बारे में अवाम को आगाह करते हैं और ये भी बताया जाता है कि कैसे डिसिप्लिनरी एक्शंस के साथ पाकिस्तान अपने काफी सारे डॉलर्स को बचा सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में है तो इस तरह के इकदाम करना आम आवाम के लिए अब फर्ज समझे जाए। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल, इसके बारे में हम काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है या हो जाएगा, इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर बात करने हमारे साथ ज्वाइन करें आसिफ अरसलान सुमरो साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। जरा इनसे जानेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बातें कही जा रही हैं उसमें क्या सदाकत है और हाइंडसाइट पे क्या कुछ हो रहा है। आसिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग। असल इट्स अ केओस और एक क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही। मैं आवाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं, आवाम हर रोज जब शॉपिंग के लिए जाती है, रोजमर्रा के जो मामला हैं उनके लिए जब जाती है, दिस सी इंक्रीमेंट इन प्राइसेस। खबरों की बात करें, हम जब टॉक शोज करते हैं तो आज हमारे पास जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो यही है कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल का शिकार है। एक्चुअली इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं माशी एतबार से? मुनीर साहब, इस वक्त हम लोग एक क्वगमायर में फंसे हुए हैं जहाँ पे ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का। ये हमने पिछले 20 सालों में ऐसा विटनेस नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम जब आपके आता है तो आपके जो राइट इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो डिलेड हो जाते हैं या कैंसल्ड हो जाते हैं। सही। और आपने इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल दिया, देखिए इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन 24-26% है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो CPI का नंबर होता है ओवरऑल बास्केट, लेकिन काफ़ी चीज़ें 40-50% से ज़्यादा चली। बिल्कुल सही। तो जो आवाम की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, ये समझ लें एक टेंजेंट होता है एक हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट का क्रिएट होने का। बिल्कुल सही। इस वक्त रिस्क ये है, जो बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं फियर ऑफ डिफॉल्ट भी है, कि हम लोग जो राइट रेसिपी है जिसके लिए हमें IMF की ज़रूरत है उसके साथ हम लोग अपने टॉक्स डिले करते जाते हैं। ये चीज़ जो है वो अक्टूबर में ख़त्म होनी चाहिए थी, अब ये जनवरी में गई है और हम लोग के इतने कम रिजर्व्स हैं, पेपर थिन है, कि हम लोग एक एक महीना जो है बड़ी मुश्किलों से गुजार रहे हैं। माजद आपको कथा कलामी करूँ, आप कह रहे हैं कि हम डिले कर रहे हैं, अगर मैं मौजूदा वजीर खजाना साहब की बात को कोट करूँ तो ही सेज वी डू नॉट नीड IMF, तो अगर उनका ये चांस है तो वट डू वी सी कि हमें IMF के पास जाना है, हमें नहीं जाना, हमें दोस्त ममालिक के पास जाना है, एक्चुअली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू पाकिस्तान राइट नाउ? इसमें मैं डिसएग्री करूंगा कि IMF की हमें नीड जो है वो डॉलर्स की वजह से नहीं होती, वो आपको सर्टिफिकेशन की वजह से होती है कि हम जैसे एक आप डॉक्टर के पास जाते हो, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेडिकल फिट है, ठीक है, आप जॉब के लिए जाते हैं। आपको याद होगा जब समर्स में नई गवर्नमेंट आई थी और हम लोग अपने बायलैटरल जो दोस्त हैं सऊदीया, UAE और चाइना से मिलने गए थे, सब ने हमें कहा कि अगर आप IMF प्रोग्राम में आप आएंगे तब आप हमको लैंडिंग भी हम आपको देंगे और डेट भी आपका रोल ओवर करेंगे। तो IMF इज अ मस्ट। IMF को अगर आपने छोड़ा तो आपकी वो जो फंडिंग आ रही बायलैटरल दोस्तों से वो भी रुक जाएगी, फिर आप नियर श्योरली डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। तो आप ये जो बात कह रहे हैं गालिबन इसी तरह की गुफ्तगू साबिक वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी कही, उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान के पास अश्योरिटीज मौजूद हैं, सिर्फ जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चले जाए। चलें इस बात को हकीकत समझ लेते हैं, व्हाई पाकिस्तान इज रिलक्टेंट फॉर द IMF प्रोग्राम? इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि हम IMF प्रोग्राम में जा ही नहीं पा रहे? देखिए पाकिस्तान के पास मजबूरी नहीं है, जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है वो थोड़े इस वक्त इनडिसाइसिव है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है। और आपको याद होगा जब भी मुश्किल फैसले इवन PTI ने शुरू में लिए थे, इंटरेस्ट रेट 13.5% करके, करेंसी 165 करके, तो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है जो 6-12 महीने तक आवाम को याद होता है, कम से कम। तो अब 2-3 चीज़ें हैं, IMF आपको 2-3 चीज़ें कह रहे हैं प्राइमरली। नंबर वन की जो गैस का टैरिफ है, आप इंटरनेशनली LNG की प्राइसेस देखें, गैस की प्राइसेस जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं $14 पे, हम लोग $2-3 पे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप गैस की प्राइसेस बढ़ाएं भले वो 100% हो। नंबर टू, हमारी बिजली की गैस की बिजली की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ानी पड़ेगी, हमारी रिकवरी भी कम हो गई, हमारे लाइन लॉसेज भी बढ़ गए। वो कह रहे हैं आप इतना बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, और उस पर और कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ऑन टॉप ऑफ इट हमने एक्सपोर्टर्स को भी सब्सिडी दी,
हमने एग्रीकल्चर का भी नया पैकेज लेके आ गए, हमने चंद डिस्ट्रिक्ट्स को भी सब्सिडी दी। तो ये जो पॉलिटिकल इस वक्त क्लाइमेट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि क्यों दी सब्सिडी। अगर हमें ये बात पता है कि इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो इकदाम किए गए वो शायद ना करते। और आप जिन सब्सिडीज का तस्करा करें, माजत के साथ बहुत से अनाउंसमेंट हो रहे हैं लेकिन वो ऑन ग्राउंड होती हुई नजर तो नहीं आ रही। इसमें मुनीर, जो एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी है मेरे ख्याल में वो लाजमी है। वो उन्होंने सब्सिडी उनको बिजली के ऊपर दी है, उनके 19.99 रुपीज पर यूनिट कर दिया है। एसेंशियली तो समझ लें कि 8.5 सेंट्स पर यूनिट डॉलर में देखे, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने इतने यानी कि मशीनरी लगाई टर्फ फाइनेंसिंग करके कि उनको गैस मिलेगी नहीं। वैसे एक तो गैस है ही नहीं, बिल्कुल सही, दूसरी है तो बहुत महंगी है, तो आपको वैसे ही तकलीफ हो जाती। एग्रीकल्चर पैकेज मेरे ख्याल से पॉलिटिकल वो माइलस्टोन था, वो चाहिए था। डोंट फॉरगेट, तीन महीने के अंदर एक अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी अगर वो अगले महीने। वी आर इन द स्टेट ऑफ इलेक्शंस पिछले 6-8 महीने से। और जब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त भी जब गवर्नमेंट आई, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन, बट उस वक्त भी जब गवर्नमेंट आई तो यही कहा जा रहा था कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसको किया जाएगा, एक फ्रेश मैंडेट की तरफ जाया जाएगा। जस्ट लेट मी नो, इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो 3 से 4 माह इस गवर्नमेंट के पास मौजूद होंगे। इसके बाद इलेक्शंस होने हैं। एज अ फॉरेन इन्वेस्टर या एज एन IMF या मैं अगर एज अ इंडिविजुअल भी बात करूं, डू यू ट्रस्ट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसका जो एक बड़ी फ्रेजाइल है, जिसके पास कम टाइम है, जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती? इज इट अ बिग इशू फॉर पाकिस्तान राइट नाउ? सी, द पॉलिसी मेकर्स नीड एटलीस्ट 5 to 7 years टू प्लान। नंबर वन, व्हेन यू गिव देम समथिंग फॉर अ डेमोक्रेसी एज फ्रेजाइल एज पाकिस्तान, कि आपको 1.5 साल है, आप इन हाउस चेंज करके, रिजीम चेंज के बाद आप फिर रिफॉर्म्स करें, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करें, वैसे हो ही नहीं सकता। नंबर वन, सो इस वक्त गवर्नमेंट की जो करंट प्रायोरिटी है, जो प्रायोरिटी नंबर वन है, वो ये है कि आप इकोनॉमिकली अफ्लोट रहें। ठीक है, कल को कोई आपको ये नहीं कहे कि आप 6 महीने संभाला और डिफॉल्ट करते। सो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर, आवाम, आपकी लेंडिंग एजेंसीज, सब इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि आपका नया फ्रेश मैंडेट कब आएगा 5 साल का। कोई गवर्नमेंट आके, चाहे ये हो, कोई अल्टरनेटिव हो, वो आपको क्लियर कट प्लान दे के देंगे, अगले 3 साल में हम लोग टैरिफ इस तरीके से बढ़ाएंगे, बिजली की कॉस्ट इस तरीके से खत्म करेंगे, एक्सपोर्ट से बढ़ाएंगे। जो इस वक्त प्रायोरिटी, चले मैं ये बात समझ लेता हूँ, दैट मीन्स पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम इज एसेंशियल। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से दूर नहीं जा सकता, सो भाग नहीं सकता। IMF प्रोग्राम शायद गवर्नमेंट इसलिए नहीं ले रही कि उसका एक पॉलिटिकल लॉस है जो गवर्नमेंट बेयर नहीं करना चाहती। सो व्हाई नॉट अ फ्रेश गवर्नमेंट कम्स और फिर वो फैसले ले, क्योंकि इस फ्रेश गवर्नमेंट से पहले 3 महीने का इंटरिम सेटअप है, और वो 3 महीने का इंटरिम सेटअप आप भी जानते हैं, आवाम भी जानती है कि वो इतना बाइख्तियार नहीं होता, उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और अगर ये नहीं होता तो इसका जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो कितना बड़ा हो सकता है। जस्ट टू क्लैरिफाई, हम लोग IMF के प्रोग्राम में ऑलरेडी है। हाँ, ठीक है, उसको रिजम्पशन की जरूरत है। नंबर टू, रिजम्पशन जो 9th रिव्यू है उसकी जो सर्टेन पैरामीटर्स है वो हमने मीट किए हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगस्त के बाद हमने पूरी दुनिया में जाके बोला कि फ्लड्स आ गए, $30 बिलियन का नुकसान हो गया, आप हमें हेल्प करें। हमने जो एक पिच दी इन्वेस्टर्स को या लेंडर्स को, ये कहे कि हमें रिलीफ चाहिए। ठीक है, अब रिलीफ हमें कुछ आ गया, डॉलर्स हमें कुछ मिलने आ गए हैं। अब IMF ये कह रहा है आपको 10th रिव्यू की कंडीशन और अगले 2 रिव्यूज की, कि जो पैसे आपको फ्लड की रिहैबिलिटेशन के लिए इन्वेस्ट करने हैं, खर्च करने हैं, ये कहाँ से आएंगे? आपके तो टैक्स टारगेट 7.4 ट्रिलियन था, आपने डॉलर्स ले लिए, डॉलर आप खर्च भी करेंगे, है तो कर्जा, कर्जा आप रीपे कैसे करेंगे? IMF आपको ये कह रहा है तो आप ये करें। अच्छा, फिर दूसरी चीज आपने बात की, इज इट IMF, आई एम सॉरी, इज इट IMF आस्किंग टू मच? नो, दे बी, बिकॉज़ ये कहा जा रहा है कि IMF हमसे बहुत ज्यादा मुतालबात कर रहा है। देखिए, एक क्रेडिबिलिटी हमारी हर्ट हुई है ओवर इन दिस कैलेंडर ईयर। तो अगर IMF आपको 10th रिव्यू की बात अगर अभी कर रहा है, सो दे हैव वेरी एक वैलिड कंसर्न्स, क्योंकि ये करंट प्रोग्राम IMF का जून में एक्सटेंड खत्म हो रहा है। यू नीड अनदर वन, वो केयर टेकर नहीं करेगी, फ्यू मस्ट टाइम ही आ जाना है, वो केयर टेकर नहीं करेगी, वो नई गवर्नमेंट करेगी। तो वो जो पीरियड आएगा 6 मंथ्स का जो वॉइड होगा, उससे पहले IMF कह रहा है कि आप सारी चीजें कर ले, सो दैट आपके इतने रिजर्व्स हो जाए स्टेट बैंक के 11-12 बिलियन डॉलर, ताकि आप रिस्पेक्टेबल तरीके से इलेक्शन भी कर सके। और लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की बात अगर मैं सुनूं, गवर्नमेंट कह रही है अगर आज पंजाब या KP की असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, गवर्नमेंट कहती है शायद वी डू नॉट हैव फंड्स कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और इतना बड़ा हम एक इकोनॉमिक बर्डन बर्दाश्त करें। मुझे सिर्फ ये समझाएं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, इस वक्त जो हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं या जो डिसीजन हम टाइमली नहीं ले रहे, इसका खमियाजा कितना बड़ा होगा? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से मुतासर है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत हद तक डेंट हो चुकी हैं। आपके मेजर सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, ऑटो की बात करें, यू नेम इट, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट शट डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में ले ऑफ्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
what is going to happen if this is इसको इसी तरीके से स्ट्रेच किया जाए दो से तीन महीने और. मुनीर, इसमें आई पर्सनली फील कि आपकी जीडीपी को कम से कम 3-5% की हिट पड़ेगी. Which is can we afford this thing? No, we cannot. Which is $10-15 billion, which is more than what IMF can give us or will give us. Number one. और ये एक irreversible damage हो जाएगा. आपके अगर आपके farms के लिए आपको एक fertilizers नहीं है, आपकी hospital के लिए आपको supplies नहीं है, आपकी गाड़ियों के लिए, देखिए गाड़ियों जो ऑटो इंडस्ट्री होती है वो इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, तो आपकी इस वक्त एलसीज जो है इतने बड़े में 230 मिलियन लोग हैं और हम लोग 50,000 डॉलर की एलसी खुलवाने के लिए हमें महीनों महीनों बैकलॉग है. सही. और स्टेट बैंक गवर्नर तक हैज टू लुक एट दिस. देखिए दिस इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लिव. चलिए, व्हाट इज द व्हाट यू फील इज द लास्ट टाइम कि हमें अब ये फैसला करना है, हमें इस तरफ बढ़ना है. व्हाट डू यू थिंक कितना टाइम मजीद रह गया? $7 अरब से कम के रिजर्व्स अब हमारे पास मौजूद हैं. मेजर एसेंशियल इंपोर्ट्स हमने बंद कर दिए. आपका स्पेशली मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करूं, वो डेंट हो रहा है. कितना टाइम रह गया है? बड़ा प्रिसाइसली अगर हम बात करें, विदाउट IMF नॉट मोर देन 2 मंथ्स, बिकॉज हमें फेब के अंदर UAE को और रीपे करना है पैसे. अगर वो आपको रोल ओवर, फिर आपके जो लेंडर्स हैं ये फॉरेन आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको फिर रोल ओवर करना छोड़ देंगे. कमिटमेंट तो किए चाइनीज ने. डोंट यू थिंक दो महीने बाद, अगर 2 महीने तक का टाइम है, आई एक्सपेक्ट कि 1 महीने बाद गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है, ये स्टेप्स लेती है, और इसके बाद तो फिर इलेक्शंस और करीब हो जाएंगे. तो गवर्नमेंट के लिए, तो फिर मौजूदा गवर्नमेंट के लिए तो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन. गवर्नमेंट इस वक्त एक अचीवमेंट क्रिएट करना चाह रही है कि वी कंप्लीटेड 5 ईयर्स, नंबर वन. बट दिस इज देयर थॉट प्रोसेस. उसमें उनको अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी रीगेन करना है. उसमें जो PDM के लीडर्स हैं बाहर मुल्क के अंदर, वो भी वापस आएंगे, उनको कैंपेन करनी है. 3-6 महीने का पूरा प्रोसेस चलता है मिनिमम. उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IMF की कुछ शरायत मान लें, आप उसको बैलेंस कर दें. देखें, आपकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आपको बढ़ानी है ना, आप साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, ठीक है, जो हाई एंड है, जिनके 1000 गज के प्लॉट है, 2000 गज के, आप ये देखें इस साल बैंक्स के इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं. फ्लड टैक्स लगाना है, आप उनको लगाएं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो वेल्थ में आते नहीं है, आप उनको टारगेट करें ताकि नेट ऑफ करें. सारे पॉलिटिशियंस उसमें आ जाएंगे, ऐसा ना करें. लेकिन ब्रेक पे जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो कल एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका हमने प्रोग्राम में तस्करा भी किया. ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की और उसमें जो मेजर्स लिए गए, उसमें जो गुफ्तगू की गई कि आवाम को बहुत कुछ करना होगा, पंखे बदलने होंगे, बल्ब बदलने होंगे, स्ट्रीट लाइट कम करनी होगी, बड़ी सारी बातें की गई. उसके बाद बात करेंगे क्योंकि इसका इम्पैक्ट दरअसल इतना बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान को शायद इससे बहुत ज्यादा जरूरत है. और एक दो ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान बासानी तौर पर अगर कर जाए तो शायद इन सारी सूरत हाल की जरूरत ना पेश आए. ब्रेक लेते जी, ब्रेक वाला जरूरत. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं. तस्करा हो रहा था कि कल एक गवर्नमेंट की जान से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आम आवाम को बहुत से इकदाम करने का कहा गया. आम आवाम के ऊपर इस बात का बोझ भी डाला गया कि अब गिरती हुई मीशत को संभालना है तो ये आम आवाम की जिम्मेदारी है. इसी वजह से पाकिस्तान के मशहूर मारूफ ताजर रहनुमा अतीक मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं. इनसे जरा जानेंगे कि जो कल गवर्नमेंट ने कहा और मार्केटें जल्द बंद करना, शादी हॉल्स को बंद करना, आम आवाम बड़े सारे इकदाम की एक फहरिस्त थी जो कल बताई गई, क्या इस तरह का इकदाम ने पाकिस्तान की मीशत को कभी माजी में कोई फायदा पहुंचाया नहीं? इसके आवाज से बात करेंगे. अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम. अतीक मीर साहब, पहले ये बताएं कि आपकी जिंदगी में तो ये कोई पहला मौका नहीं होगा कि जब गवर्नमेंट ने ये बात कही हो कि मार्केट जल्दी बंद कर दो, शादी हॉल जल्दी बंद कर दो और दीगर मामलों के ऊपर भी आम आवाम को जिम्मेदारी दे दी गई हो कि अब मुल्क की डूबती हुई मीशत को आप ही ने संभालना है. तो अब ये अगर जिम्मेदारी आवाम की है तो हुकूमत आवाम के हाथों में तो नहीं है? देखिए, हुकूमतों ने हमेशा आसान फार्मूला अख्तियार किया है और कभी भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी दी नहीं. वजह से कि एनर्जी क्राइसिस के वो हकीकी और ठोस इकदाम किए जाते इसकी रोकथाम के लिए, कि जिनके तहत हकीकतन एनर्जी लोगों को दस्तियाब होती. लेकिन जब भी इस किस्म का बुरान आया है, माजी की एक फरसूदा रिवायत को बगैर स्टेक होल्डर्स के मुशावरत के हमेशा दोहराने की कोशिश की गई और ये कोशिश हमेशा नाकाम हुई. दरअसल जो इसके टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हकीकी मायनों में इन मसाइल को जानते हैं, ये चूंकि उन पर दबाव आता है और वो इंतहाई शातिर हैं, वो देखते हैं कि उन्हें नायन हुक्मरान दस्तयाब हैं, तो उनकी नाहली का वो फायदा उठाते हुए
इस किस्म के मशवरे देते हैं कि अवाम पर से सारा बोझ डाल दिया जाए, अवाम को इसका जिम्मेदार करार दे दिया जाए। हालांकि माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, खुद जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के माहरीन है उन्होंने इस बात की नफी की कि वक्त से पहले मार्केटें बंद करने से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की बचत नहीं हो सकती, इसलिए कि ये कोई कहीं स्टोर होने वाला आइटम तो है नहीं। इसके इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसका लॉसेस कितने हैं। जिस तरह के जब कभी भी प्राइसेस बढ़े हैं, आपने देखा गैस भी इंतहाई एक यानी अफसोसनाक तौर पे चोरी होती है, और बिजली की चोरी तो आपको पता है कि इस वक्त भी 25-30% है। लेकिन अतीक साहब मुझे ये बताएं कि ये मलबा फिर से आम आवाम पे क्यों डाला जा रहा है, ताजिर बरादरी पे क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि बजहर नजर ये आ रहा है कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए, हुकूमत ने इस तरह के इकदाम के ऊपर ही अपनी बुनियाद डाल दी कि शायद ये इकदाम हो जाए तो हमें कुछ और वक्त मिल जाए, कोई और रास्ता नहीं बचा पाकिस्तान की मीशत के लिए। अब देखिए मीशत तो हकीकतन ये लोग तबाह कर चुके हैं, अब क्या छोड़ा है इन्होंने, ये अजाब इलाही के तौर पे मुसलत हुए थे। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि बदअमाली की ये भी सजा होती है कि पीडीएम जैसी हुकूमत आपको हमारे सर पे मुसलत हो। आप उसके नतज देखिए कि 6 माह में जीन क्या तब्दील हुआ, लोगों के हालात तब्दील हो गए, लोग फुटपाथ पे आ गए, और किस तरह लोग सुबह उठते सबसे पहली परेशानी होती है कि वो पकाएं तो क्या पकाएं, खाएं तो क्या खाएं। यही सबब है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना इन्हें लोगों की दायित्व तो हिमायत हासिल है। तमाम तर इंतखाबात हर गोशे से हर कोने से जिल्लत इन्हें मिल रही है, तो ये बेहतर ये है कि ये हमारी जान छोड़ दें बजाय इसके देखें ये महंगाई खत्म करने आए थे और महंगाई को 3 गुना बढ़ा दिया, ये कैसे तजुर्बेकार लोग हैं। अधिक साहब आपका जो कमर्शियल यूनिट है उसमें भी एक बड़ा इजाफा किया गया, मतलब दुकानदारों के लिए जो बिजली के बिल आएंगे वो भी बढ़ के आएंगे, इस इजाफे के बाद आम दुकानदार जो कि ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है क्योंकि इस वक्त बाइंग नहीं हो रही, लोग खर्चा नहीं कर पा रहे इतने हिसाब से, तो अब इसका भी एक असर होगा, असर इसके क्या नतीजे निकलेंगे। देखिए इस वक्त सूरत यार ये है कि 95% आवाम बिजली और गैस के बिल अदा नहीं कर सकती, तो गीजर नहीं चला सकते, गैस की जो कीमत इस वक्त मुकर्रर की गई है, बजाय इसके कि ये उसकी कीमतों को कम करें, उसकी इस्तेदाद बढ़ाने की बात करें, IPPs को वायदों के मुताबिक मजबूर करें कि वो अपनी पैदावार बढ़ाएं। लेकिन कहां देखें, ना कहीं आप देखें प्रोडक्शन साइड से इत्मीनान पर सूरत हाल है, ना ही कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के मामला बेहतर है। आप देखें IPPs की उजारादारी है, जो चाहे सो करें, कब बिजली के बिलों को मुकम्मल टैक्सेशन गोशवारा बना दें, मुकम्मल तौर पर वो लोगों के लिए सुहाने रूह कर दें, तो ये इस वक्त हुकूमत के कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ मालूम नहीं है, इनका कोई तजुर्बा नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है कि हमने करना क्या है। अधिक साहब मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकूंगा, मुझे अरसलान साहब से इसके बारे में जवाब लें दें। अरसलान साहब, अतीक मीर साहब को दुनिया जानती है और ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि शायद माजी में कई बार ये प्रैक्टिस की गई कि आम ताजिरों के ऊपर बोझ डाला जाए, आम आवाम के ऊपर डाला जाए, इससे जो कलेक्शन के फिगर जो कल दिए गए ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, इतना बड़ा ये इम्पैक्ट आएगा दरअसल और उसका पाकिस्तान में फायदा भी होगा। देखिए उसका बहुत एक नॉमिनल टोकन फायदा होगा, इतना ज़्यादा फायदा होगा नहीं, जो 50 बिलियन और ये कह रहे हैं सालाना की इम्प्रूवमेंट होगी, आई पर्सनली डोंट अग्री विद दैट, इसको इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल होगा जी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमें जो हमारी ये वेस्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ताजर ब्रदर हो, देखिए आपको याद होगा प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाए तो एक हुकूमत नाराज हो जाती है, ताजर के ऊपर टैक्स लगाए तो दूसरी हुकूमत नाराज हो जाती है, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाए तो तीसरी हुकूमत नाराज हो जाती है। हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक गीजर आपके चल रहे हैं आजकल, आपको एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट देखने होते हैं जो बल्ब्स और ये आपके LEDs होती है, बिल्कुल सही कह रहे, ये 5 साल पहले होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी इसके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। आज आप उसको कहें कि अपने घर के 10 बल्ब उतार के नए बल्ब लगा लो तो वो नहीं कर सकता, बर्डन है। वो नहीं अगर आप पंखों की बात करें कि एनर्जी एफिशिएंट पंखे लगाएं तो माजत के साथ
वो एक आम आदमी की दस्तर वो इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि आजकल वो बेसिक नेसेसिटीज मीट कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है एज ए पेरेंट एज ए गार्डियन कि आप पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली शिफ्ट करें। देखिए इंडोनेशिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आज भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बाइक को सब्सिडी दे रहे हैं, टैक्स खत्म करना तो अलग चीज है, सब्सिडी दे रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ जाए क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन आजकल बाइक्स में हो रही है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये मीडियम टर्म प्रोसेस है, इसको शुरू आज अगर आप करें ना तो आपकी अगर आपने $100,000 खर्च किए तो आपके $200,000 की सेविंग हो जाएगी इन 5 years। बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा अतीक साहब इसके ऊपर आप भी जवाब दीजिएगा क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ये तमाम इकदाम को इन्फोर्स कराएगी, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में घड़ी के कांटे कैसे तब्दील होते हैं, तो एक आम आदमी के लिए तो मेरे ख्याल से और मुश्किल बढ़ने वाली है। और फिर जो आपके जो कारोबारी औकात है जब उसमें तब्दीली आएगी तो सड़कों पर जो रश है उसमें भी इजाफा होगा, उससे जो ईंधन जलेगा वो भी एक मैसिव होगा। सर इसके बाद आपको लगता है कि ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और अगर इन्फोर्स कराया जाए तो ताजर बरादरी का इस पर क्या रिएक्शन होगा? देखिए अगर हकीकतन हुकूमत संजीदा है कि वो इस क्राइसिस से निकले तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए स्टेक होल्डर और मुकामी मैशतान वो बेहतर तौर पर हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं, लेकिन एक झटके में एक लफ्ज तमाम तर इकदाम ऐलान बगैर सोच समझ कर देना और उसके बाद स्टेक होल्डर्स की शिकायत की जानिब भी कुछ सोचो ना देना, इसे हम क्या गैर सोची कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने वक्त दिया और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और आवाम ने देखा भी कि इस वक्त जो मामला का मुश्किल है आम आवाम के लिए। लेकिन साहब मैं अगेन ये बात करूंगा, गवर्नमेंट पेटी इशूज की तरफ बढ़ रही है, गवर्नमेंट आम आवाम से तकाजा कर रही है, आम आवाम गवर्नमेंट की तरफ देखती है, गवर्नमेंट को फ्रॉम होम अपने आप से एक मामला शुरू करना चाहिए ना। अफसोस के साथ गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। आप सरकारी मुलाजमीन को 20% आउट वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दें लेकिन हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर किस अंदाज से काम होता है, is it going to help the cause? The government is actually beating around the bush or should government be clueless hai ki ab kya karna, government ke paas options nahi. There is a clear sign of panic within the government and it is natural and induced aur ye realistic hai kyunki is waqt hum log us situation pe aa gaye na ki main agar aapko bolun ki yaar mobile chalana kam kar do, 3 minute ki call 2 minute ki kar lo, ye halaat aa gaye aapke, theek hai kya aap kehte hain chalo do roti nahi डेढ़ roti khate hain, वो भी बोलेंगे इससे भी $200 मिलियन बच जाएंगे, ये भी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन प्लान आपको आना चाहिए, प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से आना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। सर आप एक आम आदमी की लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए आम आदमी के अंदर इस वक्त आप ये चीजें नहीं करेंगे ना तो आपको डॉलर पौने 300 पे चला जाएगा इंटर बैंक भी और एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। आम आदमी में दो तबके हैं मुनीर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होते हैं, एक तो लेबर क्लास जिसकी आपको मुझे परेशानी है, दूसरी सैलरी क्लास, क्योंकि उनके देखिए ताजर हो या रियल स्टेट वाले हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबसे पहले उनका इंपोर्ट महंगा हुआ वो प्राइस बढ़ा देंगे, माल बिके या नहीं बिके चलो 6 महीने बाद देखी जाएंगे। जिसकी सैलरी जिसकी दिहाड़ी वो सालाना 25-30% नहीं बढ़ती, अब उनके पास जाके देखिए कि उनको कितनी तकलीफ है। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट को एक लेने हैं फैसले, जैसे हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म मेजर्स, पिछले 3.5 या 17 साल में प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हुई डिस्कोस की, पिछले 5 साल में नए एलएनजी के टर्मिनल्स क्यों नहीं लगे कि आज आपके पास गैस होती, पिछले 7 साल में ये जो TND लॉसेज हैं ये क्यों नहीं कम हुए। चले के इलेक्ट्रिक को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, उसका एक नेचुरल नज़र आता है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ है सोसाइटी में। ये चीज़ें देखिए 5-10 साल पहले होनी चाहिए थी, अब हम लोग कहते हैं ना वी आर पुश्ड टू द वॉल, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। That is where the panic is there in the government और government और even opposition को भी समझना चाहिए कि देखिए नुकसान मुल्क का हो रहा है और 50,000 अगर कोई elite लोग है ना तो नुकसान 20 करोड़ लोग। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक लेते हैं क्योंकि opposition का भी हमने point of view लेना है, पाकिस्तान तरीके साफ का इसके ऊपर क्या रहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं The Daily Show with Munir Mehmann. आप देख रहे हैं The Daily Show with Munir Mehmann. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जरा तस्कर और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस यकीन तौर पर लिमिटेड हैं लेकिन जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है वो भी कुछ ज्यादा बेनिफिशियल नजर नहीं आते। मौजूदा सिनेरियो में अगर बात की जाए आम आवाम के लिए मुश्किल बढ़ रही है और एक सबसे बड़ा फैक्टर डिसाइसिव फैक्टर है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बुरी हद तक डेंट तो किया लेकिन इसके बाद जो असरात होंगे वो क्या होंगे? असलान साहब इस वक्त पाकिस्तान का जो कोर इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो 16% अराउंड है,
एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सूरत हाल अगर यहां पर कंट्रोल नहीं हो, इट कुड रीच अराउंड 19 to 20, और अगर ये हो जाता है तो हम देखेंगे आपके इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट में तब्दीली आएगी, इस सब का पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगेन कैपिटल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका डेवेस्टेटिंग इंपैक्ट होगा, सिंपल अल्फाज में मतलब बहुत ही खराब इंपैक्ट आने वाला है, जो ऑलरेडी आ चुका है उसके असरात और नजर आ जाएंगे 6 महीने में। इन्फ्लेशन आपने कहा, कोर इन्फ्लेशन की एग्जाम्पल दी, अगर CPI की बात करें तो आपके 24-26% पे होवर कर रहे हैं, और इवन स्टेट बैंक और IMF कह रहे हैं कि इस साल की जो एवरेज भी है आपकी 20-22% होगी। और एक इकोनॉमिकली थ्योरेटिकली इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आपको रियल इंटरेस्ट रेट मेंटेन करना होता है, इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन को माइनस करके आपको कोई इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से देखें तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से 1-1.5% और बढ़ सकता है, अनलेस आउटलुक आपका चेंज हो, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आपकी कम हो रही है, अमेरिका में फेड इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग कर रहा है, शायद वहाँ पे स्टेट बैंक फेब या मार्च में आके बोल दे कि बस हम रुक सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट आपका इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब आपको जो इंडस्ट्री लगाता कौन है, सेठ, पैसे वाला इंडस्ट्रियलिस्ट, करेक्ट, उसको अगर रिस्क फ्री बैंक में पैसे रखने से अगले 3 साल का कोई बॉन्ड ले ले, 17-16% मिलेंगे और 3 साल में वो 50-60% कमा सकता है, तो उसको क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की, कारोबार करने की, जब आपकी इम्पोर्ट भी नहीं हो सकती और आपको इतनी फाइनेंशियल कॉस्ट देनी पड़ेगी। इस वक्त लोग अपने इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहे। जिसने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, जिसने एक बड़ा सरमाया लगा दिया, उसका क्या होगा? देखिए, ये तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, हमारे पास पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है, रिजीम कंटिन्यूटी नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो अपनी मशीनरी ना बेच सकता है ना उठा के किसी और ले जा सकता है। उसके पास एक ऑप्शन है कि उसने सबक सीखा जिंदगी में और ये फैसला करेगा कि मैं यहाँ से बाहर पैसे कैसे लेके जाऊँ, माइग्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करूँ या इंश्योर करूँ कि मेरे बच्चे बाहर। एक इंडस्ट्री जब बंद होती है, हजारों की तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपके मुल्क की GDP की बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, वो आपसे चली जाती है। हमने ओवर द इयर्स देखा कि पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज गई हैं, बांग्लादेश इज अ बिग एग्जांपल, कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। आपका एक बड़ी सनती यूनिट टेक्सटाइल जो हम देख रहे हैं, 2 साल पहले एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था, मैं शायद लफ्ज भी सही उसके लिए, तो आज सडनली वो इंडस्ट्री आपकी ऑलमोस्ट शट डाउन है, आपके सारे सेक्टर्स नेगेटिव ट्रेंड हो रहे हैं, आप और उसका रिफ्लेक्शन देखें स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स तेजी से कम हो रहे हैं, आपके पास नई लिस्टिंग्स नहीं आ रही है, आपके आज भी अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से पिछले 10 साल पहले जो UIN थे आपके पास, आज से कम UIN आपके पास हो गए। एक्टिव इन्वेस्टर्स की बात करूं तो शायद वो भी वो छोड़ ही देते हैं उस टॉपिक की, तो जाते ही नहीं उस गली में। Where are we heading towards? अगर दोनों कंपोनेंट को हम देखें, इंडस्ट्री और स्टॉक को, कैपिटल मार्केट्स को, पहले हम जो है ना इंडस्ट्री को देख लेते हैं। जब आपके 23-22 करोड़ आवाम है, उसको आपको चलाने के लिए आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, आपकी इंडस्ट्रीज वो लगानी पड़ेंगी जो एक्सपोर्ट हो, क्योंकि लेबर जो एम्प्लॉयड है ये बाहर ग्लोबली कंपेटिटिव हो, नंबर वन। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, देखिए उसको 4-5 बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, ये दुनिया में कहीं पर भी चला जाए, कि लेबर आपकी क्वालिटी वाली हो, ठीक है, और लेबर लॉज अच्छे हो, आपके इंटरेस्ट रेट जो है नॉमिनल हो, जितने आपके प्रॉफिट आए उसको बर्दाश्त करके, आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, और चौथी चीज है कि आपके टैक्सेशन रिजीम जो है या एनर्जी रिजीम, ये काम होता है पॉलिसी मेकर्स का। सर, पॉलिसी मेकर्स पिछले 12 सालों में हमारे पास इतने यानी के बूम्स एंड बस्ट हुए हैं, इतने फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए हैं, इतनी पॉलिसीज चेंज हुई है कि जो फैक्ट्री लगा चुका है ना वो तो तौबा कर रहा है इस वक्त, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल दें, दूसरा आपने ऑप्शन किया कि इसको फिर होगा क्या, सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट रियल स्टेट में जाते हैं, वो कहते हैं 10 साल पहले मैंने एक प्लॉट अगर 10 लाख का लिया था, आज वो 50 लाख का है, 1 करोड़ का लिया था वो 10 करोड़ का है, डॉलर लिए थे वो 3 गुना बढ़ गए, तो उनको एक स्ट्रेस लेके रिस्क लेके, और जो 3 साल पहले जो स्टॉक्स लिए थे वो आज और भी नीचे, ठीक है। अच्छा, तो रियल स्टेट के बाद स्टॉक्स की बात कर रहे थे, स्टॉक्स में ये थोड़ा बताना और एम्फोसिस करना जरूरी है कि एक होता है तरीका वैल्यूएशन करने का। 2008 में जो हमारे क्राइसिस हुए थे वो इससे भी ज्यादा क्राइसिस है, इतनी शार्प प्लंज हुआ था, इतनी लेवरेज थी इकोनॉमी में, फिर भी वो गिर के आपका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, जो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म 6.5-7 रहा है, वो 3.8 जो आज है उससे ज्यादा था। हम लोग उस लेवल पे भी आ गए हैं 2017 के बाद के 10 के पी से 3.5 पे। एंड मेजॉरिटी ये जो पी का जो लोड है वो आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बर्डन शायद उस वक्त मौजूद भी नहीं था, उस वक्त वो थे भी नहीं, उस वक्त बैंक्स ENP आपके ज्यादा थे। लेकिन उसका कहने का मकसद ये है कि अगर एक कंपनी 4 रुपए कमा रही है तो वो कंपनी बिक रही है 16 रुपए की, मतलब 4 गुना उस पर। पहले अगर कोई कंपनी 4 रुपए कमा रही थी तो वो 40 रुपए की बिक रही थी, तो मतलब स्टॉक पे कोई आएगा। मुझे एक बात बताएं, एज एन इन्वेस्टर
एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, एज अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मैं अगर एक सवाल ये देखूं कि इस मुल्क के एक ही पार्टी के दो वजीर खजाना है, मफ्ता इस्माइल साहब, इसहाक डार साहब, दोनों के जो स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कोई एक दूसरे की पॉलिसी को इंडोर्स नहीं करना चाहता, कोई एक दूसरे के इकदाम को इंडोर्स नहीं कर रहा, हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि इस मुल्क में 5 साल 10 साल की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी? इट्स नॉट इंडिया, जहां पे अगर मैं बात करूं स्टिल देयर इज अ बेटर एक अरेंजमेंट है कि आपकी पॉलिसीज बनती हैं, शायद लॉन्ग टर्म सर्व भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इट्स नथिंग हैपनिंग। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन एन इकोनॉमी इन अ पॉलिटिकल पार्टी इज वेलकम, जो होना भी चाहिए। दोनों फाइनेंस मिनिस्टर का अलग बैकग्राउंड है, एक अकाउंटेंट है, एक इकोनॉमिस्ट है, अलग एक्सपीरियंस है, अलग हालात थे। 2015-16 में सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो इसहाक डार साहब को हुआ था वो ऑयल प्राइसेस गिरने का था, तब वो अफोर्ड कर सकते थे रुपी को स्टेबल करना 1-1.5 साल के लिए, उसके बाद में ठीक है। और एज एन इकोनॉमिस्ट मिफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी पड़ेगी, और उसको करेंसी को आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है। बट ऑन दी अदर हैंड, ये तो सिर्फ विद इन वन सिंगल पार्टी कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपके सारे पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठ के डिसाइड करना होगा कि अगर हमने प्राइवेटाइजेशन की कि ना तुम आओगे बीच में ना हम आएंगे, वरना आपने देखा है कि रेको डिक के लिए आपको पाकिस्तान में मुनीर साहब आपकी सुप्रीम कोर्ट को ये फैसले नहीं करने चाहिए कि क्या इकोनॉमी क्या होगा। ये पॉलिटिशियंस का फेलियर है दैट द कोर्ट्स हैव टू इंटरवीन टू सिक्योर अ बेल आउट, और इवन the non-political actors have to intervene to get bailouts from you from a friendly country. ये collective failure है आपके politicians का। And इस failure की जिम्मेदारी आम आवाम की तो नहीं है, but उसका burden तो आम आवाम पर आ रहा है ना। मैं अगर इसी सूरत हाल को देखूं, अगर मैं एक rough estimation भी लूं, इस वक्त technically कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, but straightforward, are we heading towards a big default? Is it a reality or is it an option, a avoidable option? It is still an avoidable option. Number one, I don't think we are going for default. You will have to agree with IMF. देखें, eventually आपको याद होगा जब असद उमर साहब भी आए थे तब भी हम यही सिचुएशन थी कि IMF में जाएं कि नहीं जाएं, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर हफीज शेख साहब आए और रजा बकरा और क्विकली उन्होंने एक मैंडेट साइन कर दिया, करेक्ट। हम भी फिर उस पोजिशन में जा रहे हैं कि जनवरी में एक पैनिक बटन होगा कि भाई जो वो कह रहे हैं जितना हमने डिस्काउंट ले लिया, बार्गेनिंग कर ली, तो आप सौदा होना है, ये करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। I don't think कि पॉलिसी मेकर्स के अंदर ये इंटेंट भी है कि डिफॉल्ट करें, जो श्रीलंका में थी। चले, अगर ये हो जाता है उसका फॉलो आउट इफेक्ट फौरी तौर पे क्या होगा, मुझे ये बता दें। सबसे पहले आवाम के पर्सपेक्टिव से आवाम को रेडी होना चाहिए, गैस प्राइस और महंगी होगी, बिजली की आपकी कीमत और महंगी होगी, और आपकी करंट आवाम दुआ करे गैस और बिजली आए ना। अब अनफॉर्चुनेट सिनेरियो दैट वी आर लिविंग इन, बट दिस इज हाउ द रियलिटी इज। और आवाम को थोड़ा समझाना भी चाहिए कि देखिए जो आपको 300 रुपए यूनिट बिजली सर आवाम नहीं समझ सकती, सॉरी टू से, जब आवाम इस अशराफिया को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े महलात में ट्रेवल करता घूमता देखती है, जब आवाम ये देखती है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि 8 माह के दौरान अरबों रुपए खर्च करके पाकिस्तान के बाहर ही रहे मोस्टली हिस्सा, सर आवाम यू एक्सपेक्ट कि आवाम समझेगी? आवाम से आप इस तरह की मैच्योरिटी की जिस आवाम को आपने पिछले 70-75 साल से एजुकेट नहीं किया, डू यू एक्सपेक्ट कि आवाम इस पर सबर करेगी? मुनीर, आई एम नॉट सेइंग आवाम को रिएक्ट करना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए, बट द रियलिटी इज देयर। इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड कि दुनिया देखिए इंटीग्रेटेड हो गई है ड्यू टू सोशल मीडिया, आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज कनेक्टेड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्यों आज से 30-40 साल पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा चल रहा है उसमें सिर्फ जीडीपी ग्रोथ देखी जाती थी। जीडीपी मतलब ये नहीं कि अमीर अमीर हुआ और गरीब वाले नीचे आ रहे, एवरेज निकाली जाती थी। आजकल पूरी दुनिया में फोकस है फेयर सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी, कि जो अमीर की आप बात कर रहे हैं जो 8 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने फॉर सम रीज़न अपने टैक्स अवॉइड करके ब्लैक मार्केट के अंदर वो कमा रहा है, ठीक है, और जो गरीब आदमी है जो 30,000 रुपये कमा रहा है आज भी वो 5,000-6,000 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स दे। बिल्कुल सही, दैट इज अनफेयर एंड इवेंचुअली अ रेसिपी फॉर ए सिविल डिजास्टर। दैट इज द आई थिंक इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि प्रोग्राम को इस पे क्लोज किया जाए, क्योंकि जिस सिविल डिजास्टर की बात की जा रही है वो एक्चुअली इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान में। लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल, खासतौर पर कराची की बात करें, इट्स टेरेबल। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो दहशतगर्दी का खात्मा हमने बड़ी मेहनत से किया, बड़ी कुर्बानियों के बाद किया, वो दहशतगर्दी एक बार फिर से पाकिस्तान लौट के आ रही है। वो सरहदी बाढ़ जो हमने बड़ी मेहनत से लगाई उसको बहुत ही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ा और नोचा जा रहा है, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बड़ा खतरा होगा। साथ में अगर एड ऑन कर लिया जाए, पाकिस्तान के जो 7 जो दोस्त ममालिक
हैं, उनके जो मामलात हैं, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के जो मामलात हैं, ग्लोबली जो कुछ इस वक्त हो रहा है दुनिया भर में, अगर इसके इफेक्ट्स पाकिस्तान को इस वक्त आने शुरू हो जाए या कोई एक बड़ी अनसर्टेनिटी दुनिया में हो जाती है, तो शायद वी डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी कि अब हम इस चीज को अवॉइड कर सकें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। अगर इकदाम हैं तो करने होंगे और पर वक्त करने होंगे। वी डू नॉट हैव एनी टाइम टू वेस्ट। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।